हरियाणा में होने वाले उपचुनाव को लेकर सरगर्मियां जोरों पर है। जहां एक तरफ सत्तारूढ़ पार्टी जीत का दम भर रही है, तो वहीं कांग्रेस ने भी कमर कस ली है। इस जंग के बीच कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष उदय भान ने जोरदार हुंकार भरी और उन्होंने ऐसी भविष्यवाणी कर दी जिससे बीजेपी और जेजेपी गठबंधन सरकार की नींव तक हिल सकती है। क्या हरियाणा में गिर जाएगी गठबंधन की सरकार? क्या सूबे में होगा सत्ता परिवर्तन? क्या हाथ में आएगी राज्य की कमान? इन सवालों ने राज्य की सियासत को सुलगा दिया है। इसकी वजह कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष उदय भान का वो दावा है जिसमें उन्होंने कहा है कि जेजेपी विधायक पार्टी छोड़ने के लिए तैयार हैं। जेजेपी में केवल माँ बेटा ही रह जाएंगे, कांग्रेस के साथ मिलकर अगले 6 महीने में सरकार बन जाएगी। दरअसल ये दावा कांग्रेस के नेता ने आदमपुर सीट पर होने वाले विधानसभा उपचुनाव को लेकर किया है। उदय भान ने कहा है कि आदमपुर में कांग्रेस जीत जाती है तो आने वाले 6 महीनों में प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी, क्योंकि जेजेपी के विधायक पार्टी छोड़ने के लिए तैयार बैठे हैं। केवल माँ बेटा ही रह जाएंगे, निर्दलीय विधायक भी सरकार से समर्थन वापस लेने के लिए राजी हैं, इसलिए उपचुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार को जिताएं। राज्य में सत्ता परिवर्तन का दावा करने के साथ साथ उन्होंने पूर्व विधायक कुलदीप विश्नोई और रेणुका विश्नोई को आड़े हाथों लिया। उदय भान ने कहा कि आदमपुर में उपचुनाव स्वार्थ की खातिर हो रहा है, मुझे अध्यक्ष बनाए जाने पर ही कुलदीप ने कांग्रेस से इस्तीफा दिया। मैं तो तब से विधायक हूँ जब ये स्कूल में पढ़ते थे। असल में ईडी ने इनके व्यापारिक प्रतिष्ठानों पर ताले लगाए हुए थे और बीजेपी ने दबाव डाला राज्यसभा में कांग्रेस को धोखा दें। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि कुलदीप जब से राजनीति में आए हैं तब से एक काम बताएं, उनके एमपी का फंड वापस चला जाता था। उन्होंने आदमपुर की आवाज ना तो कभी संसद में उठाई और ना ही विधानसभा में। अब कांग्रेस ने आदमपुर चुनाव को लेकर जेजेपी बीजेपी से लेकर कुलदीप विश्नोई को घेर लिया है, लेकिन देखना होगा कि क्या सत्ता परिवर्तन की उनकी भविष्यवाणी सही साबित होती है। डीवी लाइव की रिपोर्ट। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए यूट्यूब पर टाइप करें डीवी लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए डीवी लाइव, क्योंकि यहां हैं खबरें लगातार।